वेन एनिमल मेस्ड विद रॉन्ग एनिमी पार्ट वन। दोस्तों शेर दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों में से एक है, और जब बात मासूम जानवरों के शिकार की हो तो शेर भला कैसे पीछे रह सकता है। इस वीडियो में ताकत के नशे में चूर या शेर एक अकेले भैंसे पर अटैक करने की बहुत बड़ी गलती कर देता है, और वह भैंसे को जब मारने वाला ही होता है तभी उसके चीख पुकार सुनकर उसके साथी भैंसे की तरफ दौड़ लगा देते हैं, जैसा कि आपके साथी आपके लिए करते होंगे। उनमें से एक भैंसा गुस्से में आकर शेर को किसी खिलौने की तरह कई बार कई फीट ऊंचा हवा में फेंक देता है, जिसे देख सब कोई दांतों तले अंगुली दबा लेंगे, क्योंकि दोस्तों शेर का इतना बुरा हाल आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। ठीक ऐसी ही एक और घटना साउथ अफ्रीका के एक नेशनल पार्क में घटी, लेकिन यह शेर का सामना एक भैंसे से नहीं बल्कि एक माँ से हुआ। मार्च 2014 के दौरान रिकॉर्ड इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि भैंसे का एक बच्चा अपनी माँ के तलाश में अपनी माँ से दूर सड़क पर आ गया, तभी उस बच्चे का सामना एक खूंखार और भूखे शेर से हो जाता है। और जैसे ही शेर उस बच्चे को शिकार करने की कोशिश करता है, तभी अचानक उसकी माँ अपने बच्चे को खतरे में देख भैंस अपने से कई गुना शक्तिशाली शेर पर आधी की तरह टूट पड़ती है। भैंस को इतना गुस्से में देख शेर भयभीत हो गया और बच्चे को छोड़ वहाँ से भाग गया। दोस्तों माँ तो माँ होती है, वो अपने बच्चों के जान के लिए अपनी जान की परवाह भी नहीं करती, इसलिए इस माँ के लिए एक लाइक तो बनता है। किसी महापुरुष ने सच ही कहा है कि युद्ध केवल ताकत से नहीं बल्कि हिम्मत से जीते जाते हैं, और यह बात इस बकरी ने आज सिद्ध कर दिया। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि बकरी के एरिया में आए सांड को खदेड़ने के लिए बकरी अपने दोनों पैरों पर खड़ी होकर उसे खुली चुनौती दे रही है। बकरी ने पूरे हिम्मत के साथ इस सांड से लड़ाई शुरू कर दी। शुरुआत में सांड बकरी के इस व्यवहार से देखकर बचता रहा, लेकिन बकरी जब नहीं मानी तो वह उसे लड़ने के लिए तैयार हो गया, लेकिन बकरी के जज्बे के सामने वह तनिक देर भी टिक न सका और मैदान छोड़कर भागने लगा। सांड को भागता हुआ देख बकरी की हिम्मत बिजली की तरह तेजी से बढ़ गई और वह सांड को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगी। दोस्तों अगर कोई शख्स शांत बैठा है तो इसका मतलब यह नहीं कि ये कमजोर है, और जो उन्हें कमजोर समझने की गलती कर बैठते हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। ठीक ऐसे ही यह वीडियो फ्लोरिडा के पेंस फ्रेरी रिजर्व स्टेट पार्क का है, जहां साल 2017 में घूमने आए टूरिस्ट ने देखा कि यहां कुछ जंगली घोड़े घूम रहे थे और उनके पास में ही एक विशालकाय मगरमच्छ आराम फरमा रहा था। तभी एक शरारती घोड़ा मगरमच्छ को एक कमजोर जानवर समझकर उस पर हमला करने की बहुत बड़ी गलती कर देता है, लेकिन तभी मगरमच्छ ने तुरंत इस घोड़े की टांगों को अपने जबड़े में पकड़ लिया। उस घोड़े की किस्मत बहुत अच्छी थी कि उसका पैर मगरमच्छ की पकड़ से छूट गया, वरना उस घोड़े की नादानी उसके मौत का कारण बन जाती। दोस्तों अगर यह कोई मान लेता है कि वह सबसे ज्यादा विशालकाय है तो वह सबसे ज्यादा ताकतवर है, अगर कोई यह मान लेता है तो उसके साथ जल्द ही कुछ अनहोनी होने वाली होती है। एक ऐसी ही घटना अफ्रीका के जंगलों में घटी, जब एक ताकतवर हाथी अपने ताकत के नशे में चूर होकर शांति से घास चर रहे भैंसे पर हमला करने की गलती कर देता है। हाथी कुछ देर तक उस भैंसे को परेशान करती है, फिर भी वह भैंसा शांति से घास चरता रहता है, लेकिन जब भैंसे का सब्र का बांध टूट जाता है और वह जैसे ही हाथी वापस जाने के लिए मुड़ती है तो भैंसा तेजी के साथ उनके पिछवाड़े पर वार कर देता है, जिससे हाथी पूरी तरह से दंग रह जाती है और भागती हुई जंगल के भीतर चली जाती है। दोस्तों मगरमच्छ को पानी का राजा कहा जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वह किसी के भी टेरिटरी में जाकर आसानी से शिकार कर सके, लेकिन यह मगरमच्छ यह भूल जाता है कि नदी में उसी की तरह कुछ और जानवर भी निवास करते हैं, और यह क्रोकोडाइल शिकार करने के लिए हिप्पो के इलाके में चला जाता है, लेकिन वहाँ मौजूद दर्जनों हिप्पो उसे घेर लेते हैं और चारों तरफ से उसे बॉल की तरह उछाल उछाल कर मारने लगते हैं और अपने खतरनाक जबड़ों से वार करने लगते हैं, जिस कारण उस मगरमच्छ की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है, और अंततः वह मगरमच्छ तो बच जाता है लेकिन उसे अपना जबड़ा खोना पड़ता है। तो अभी यह मगरमच्छ न तो राजा कहलाने के लायक रह गया और न ही शिकार करने के योग्य, लेकिन वन विभाग के रेस्क्यू टीम ने इसे उठाकर चिड़ियाघर में ला दिए, जहाँ इसे बिना शिकार किए हुए आसानी से खाना मिल जाते हैं, जिससे इसकी ज़िंदगी चलती रहती है। लेकिन इसकी एक छोटी सी गलती इसकी जान पर आ बनी थी और यह पूरी तरह से विकलांग हो चुका है।
दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी रोचक और इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि अगर आगे कोई वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।